इतने सालों बाद इंसान यहाँ आए हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। अले ये कौन सा गाना है? ये है तो नहीं, पर इस लम्हे के लिए तो बिल्कुल नहीं है, पर एक दिन बनेगा जरूर। साफ नाखून, सावरे बाल, अच्छी पोशाक। वाह! ये इंसानों के शौक बिना उनकी तरह ही वाहियत होते हैं। जिंदा कैसे खड़े हो? मुझे क्या, पर अब तुम दोनों ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। क्या बात है अंगूठी साहब? सुल्ताना, मलिका उसे बुला रही है। किसे बुला रही है अंगूठी छाप? शैतान को। अगर आका के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने से पहले शैतान आ गया तो हम मलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शैतान उसकी हिफाजत खुद कर रहा होगा। खेल तो अब शुरू होगा। अगले आधे घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। अलादी खंजर का तीसरा हिस्सा लेकर तो आएगा, लेकिन अपनी अम्मी को छुड़ा के नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि शैतान और शैतान का खंजर दोनों ही हमारे पास होगा। दुनिया वालों, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शैतान की बात कर रहे हैं और शैतान को रोक पाना बहुत मुश्किल है। अगर इरादा पक्का और नियत नेक हो तो इंसान को रोक पाना नामुमकिन है वजीर गुलबदन। देखिए दहशत भी, हमें जाने दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे क्या, जितनी छोटी आप हैं उससे छोटे आपके ख्यालात हैं। कुजिए या मरे, आपको एक हद का फर्क नहीं पड़ता। देखो, किसी और की जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो जरूर बर्बाद होने वाली है। जितना बच ना सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा दर्द। रोगे चाहे जितना बच सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा दर्द। रोगे चाहे जितना बच ना सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा दर्द। गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। शामत आई है तुम दोनों की, किस्मत का कटोरा खाली है। जादू कर दे दहशत भी, हमें बजानी ताली है। गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अले
बेटे की तो अगर मैं आधे घंटे के अंदर फरिश्ता खान जाकर खंडे का तीसरा हिस्सा वापस लेकर नहीं लौटा तो सब खत्म हो जाएगा। तुम सब हमारे हाथों की कठपुतलियां बनने वाले हो। पर सुल्ताना, हम बादशाह शाहनवाज की बेटी हैं। हमारे अब्बू ने हमें लड़ना सिखाया है। अलादीन हमें अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गया ताकि जरूरत आने पर हम बगदाद की हिफाजत कर सकें, और वो जरूरत आन पड़ी है। हम अपने मुल्क की पाक मिट्टी पर ना ही किसी जालिम जादूगरनी को जीतने देंगे और ना ही किसी शैतान को कदम रखने देंगे। हम रोकेंगे दोनों को। पर कैसे? रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा सर। अले सुना, हम दोनों को लकड़ा बनाने वाली है वो। कुछ नहीं होगा फराज मियां। अले कुछ तो सोचो, अपनी अम्मी के लिए सोचो, सुल्ताना के लिए सोचो, अपने बगदाद के लिए, तो कम से कम हमारे लिए सोच लो। मेरा निकाह नहीं हुआ है अब तक। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक निकाह नहीं हुआ? बड़ा हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। अब फड़फड़ा रहा है जवानी का दिया। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद। तुम्हारी फरोज। हमारे पास आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है। रोगे चाहे जितना बचा सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा सर। इसका मिलेगा मुझे इनाम, 8 महीने का आराम। बहुत भपका मारती है लाले। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस लकड़ी का होगा सर। लाले अगर हम लोग वापस नहीं पहुंचे तो मम्मी को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो वो हमेशा के लिए जिन बनी रहेंगी। पता नहीं अलादीन किस हाल में होगा। चाची जान, भाई मेरा भाई तो कमाल है, तो हर हाल में बेमिसाल होता है। चाची जान आप फिक्र मत कीजिए, देखिएगा आपकी दुआएं उसे हर खतरे से बचाएंगी। तू ठीक कह रहा है गुल्लू, नहारे हैं नहारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। ये रास्ता दिखाइए अम्मी, जो आपकी जरूरत है मेरी मदद कीजिए। तेरे बाजुओं में सच की ताकत है अलादीन, ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चूर चूर कर सकती है। अब्बू की सीख और अम्मी की दुआएं हर दम तेरे साथ हैं, तू खुद को कभी अकेला मत समझना। तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत। हिम्मत कर अलादीन।
अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। हा? उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। अलादीन, 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 सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। अम्मी आपकी लोरी ही मुझे सुला सकती है। अम्मी की लोरी से अगर जिनू सो सकता है तो दहशत भी सो जाएगी। डाले क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन अब होगा। सुल्ताना, सुल्ताना, माफ कीजिएगा लेकिन शैतान के सामने टिकना नामुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारा शौक। तुम हमें बस इतना बताओ कि क्या ये बात सच है, शैतान की ताकत सिर्फ अंधेरे में ही पूरे जोर पर होती है? जी जी। सुल्ताना आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बताइए ना आप क्या करने वाली हैं? हम रात को दिन में तब्दील करने वाले हैं। रात को दिन में तब्दील करने वाले हैं? कैसे? इसकी मदद से। मदद के लिए शुक्रिया अम्मी। जादू की पोटली। अरे लाल ये क्या है? बताता हूँ, साथ में अपना पसंदीदा रंग खाना सब कुछ बताता हूँ। बहुत वक्त है ना हमारे पास। तो डांट पड़ी और डांट पड़ी, डांट पड़ी और डांट पड़ी। तो प्रहोगे करोगे? चुप, बीच में मत बोला करो। अले जो करना है जल्दी करो। हाँ भाई पोटली तंत्रू निकालो। लकड़ी का होगा सर रोगे चाहे जितना बचना रोगे जितना। कई जन्नते तूने तोहफे में दी थी माँ के। रोगे चाहे जितना बचना सकोगे पर लकड़ी का होगा जिसमें। अले इस पोटली के बारे में दो जुमले बताने को तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन गाना सुनने का पूरा वक्त है तुम्हारे पास। अम्मी की लोरी है वो, तुम ऐसे पक पक करके ना दहशत की नींद में कलर डाल रहे हो। या अल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है हम ठीक हो गए। हम ठीक हो गए। हम ठीक हो गए। हम शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्या तरकीब चलाई है यार? आपने हम सबकी जान बचाई, हम आपका एहसान कैसे चुकाएं? छोड़ दो तुकबंदी मेरी जान, टूट जाएंगे सारे एहसान। हमें इन सबको यहाँ से हिफाजत से निकालना होगा। डाले तुम फरिश्ता स्थान के लिए निकलो, मैं देखता हूँ।
अबू को ढूंढ कर खंजर के तीसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। बस चंद लम्हों का इंतजार है, उसके बाद शैतान हमारे साथ होगा। बस एक बार शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा भी हमारे पास आ जाए, उसके बाद हमें रोक पाना इंसान तो क्या, कुदरत के बस में भी नहीं रहेगा। इस दुनिया को बनाने का कब्रिस्तान मलिका पुकार रही है, आ जा शैतान, आ जा शैतान, आ जा शैतान। मिस्र की सुल्ताना अदाया का दिया हुआ आतिशे आफ्ताब। आतिशे आफ्ताब की पाकीजगी में बड़ी ताकत है, इससे बुराई की काली रात में भी नेकी का सूरज चमक उठेगा। आ जा शैता। कौन है वो बदकिस्मत हमारे रास्ते में जो है आया, पहुंचा दे हमें वहां जहां पढ़ने को है हमारे जुल्म का साया। अब्बू को ढूंढने खंजर के तीसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। बेटी की तुम हवा हवाई कुछ ही लम्हे और जिंदगी देने वाली हवा दे पाएगी। तेज कालीन, तेज। जल्दी से अबू को ढूंढ के उन्हें अपनी मदद करने के लिए मनाना है। या अल्लाह, फरिश्तास्तान में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, फिर तुम? मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं यहां अपने अबू उमार से मिलने आया हूं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ लड़के, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। देखिए, चंद लम्हों में मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अम्मी हमेशा हमेशा के लिए जिन बन के रह जाएंगी। अपनी अम्मी की जिंदगी को बचाने के लिए एक बेटे की मदद कर दीजिए, बता दीजिए मुझे कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। हम तुम्हारी अम्मी के लिए दुआ कर सकते हैं, पर तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की कोई मदद नहीं कर सकते।
हम मजबूर हैं। मजबूर है? मेरी अम्मी फरिश्तों की कहानियां किससे सुनाया करती थी? आज पता चल गया कि वो सब कुछ झूठ है। अगर फरिश्ते भी इंसानों की तरह मजबूर हैं, तो फिर फरिश्ते किस बात के? मेरी मदद कर दीजिए। अलादीन भैया।